कांग्रेस सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के संसद सत्र में आंख मारने के घटनाक्रम पर बड़े ही बेबाकी दिखाई और बड़े ही चतुराई से उत्तर दिया। देखिए क्या उत्तर दिया। आपने अपनी जिंदगी में कभी आंख नहीं मारी है क्या? आपने अपनी जिंदगी में कभी आंख नहीं मारी है क्या? आपने अपनी जिंदगी में कभी आंख नहीं मारी है क्या? सवाल सुनने के पहले गंभीरता और सवाल सुनने के बाद चेहरे पर मुस्कुराहट, और फिर क्या सवाल चौथा स्तंभ उठा रहा है, ये आश्चर्य है। देखिए फिर क्या बोले सिंधिया। ये कठिनाई है कि इस देश में जहां किसान आत्महत्या कर रहा है, जहां दलित पर ऊना जैसी घटना होती है, आदिवासी से अपना पट्टा लिया जा रहा है, हर नौजवान बेरोजगार है, और प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ के होते हुए आपको किसी के आंख मारने पर इतनी चिंता हो रही है। तुम्हारे प्रजातंत्र के सबसे मजबूत और सबसे जिम्मेदार स्तंभ आपको, हमें अपना ध्यान आकर्षण करना है। जो मुद्दे राहुल जी ने उठाया या उन्होंने किसी विषय पर आंख मारी, उस पर हमें ध्यान आकर्षित करना है। मुझे तो ताजुब है कि आप ऐसा प्रश्न भी कर सकते हो। जो बलात्कार रोज हो रही हैं और आप इस पे लगे हो, आप इतने सीनियर पत्रकार हो, मुझे तो ये आशा नहीं थी कि आप ऐसा प्रश्न करोगे। अरे भाई, आप किसी ने आंख मारी कितनी बड़ी बात हो गई। अरे भाई, आपने अपनी जिंदगी में कभी आंख नहीं मारी है क्या? आपने अपनी जिंदगी में कभी आंख नहीं मारी है क्या? आपने अपनी जिंदगी में कभी आंख नहीं मारी है क्या? यही नहीं, सिंधिया ने एक पत्रकार को जवाब देते हुए कहा कि क्या कभी आपने आंख नहीं मारी। ये कठिनाई है कि इस देश में जहां किसान आत्महत्या कर रहा है, जहां दलित पर ऊना जैसी घटना होती है, आदिवासी से अपना पट्टा लिया जा रहा है, हर नौजवान बेरोजगार है, और प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ के होते हुए आपको किसी के आंख मारने पर इतनी चिंता हो रही है। हमें अपना ध्यान आकर्षण करना है। जो मुद्दे राहुल जी ने उठाया या उन्होंने किसी विषय पर आंख मार, ताजुब है कि आप ऐसा प्रश्न भी कर सकते हो। तो बलात्कार रोज हो रही हैं और आप इस पे लगे हो, तो ये आशा नहीं थी कि आप ऐसा प्रश्न करोगे। अरे भाई, आप किसी ने आंख मारी इतनी बड़ी बात हो गई। अरे भाई, आपने अपनी जिंदगी में कभी आंख नहीं मारी है क्या? अरे भाई, देश में बलात्कार हो रहे हैं, किसान आत्महत्या हो रहे हैं और आप आंख मारने में लगे। कुल मिलाकर सिंधिया सनसनी इंदौर में भी जारी रही और सिंधिया ने कांग्रेस में फिर जान डालने की भरसक कोशिश की। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।